हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वो वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ वांगशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले गाइस, मैंने इसका एक और पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, वो है म्यूट बॉय पार्ट नंबर 11। पहले आप उसे सुन लीजिएगा, तभी आपको ये 12 पार्ट जो है समझ में आएगा। तो गाइस, पहले उसे सुनिएगा। चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वेवशन था ना, वो किस तरह से एक्साइटेड होता है, धीरे धीरे करके टाइम बीतता है। अब मतलब 2 हफ्ते एक तरह से बीत चुके थे जब उसके पैर पे लगी थी, और वो परफेक्टली फाइन था, आराम से चल फिर भी सकता था, मूवेबल भी था। और यहाँ पर वो जंगचा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जंगचा ने पिछले टाइम में उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया था, नए दोस्तों में बिजी था। लेकिन जंगचा यहाँ पर उसे कैसे समझाए कि एक जो अल्फा होता है ना, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसकी प्यूबर्टी की जो एज थी वो हिट कर रही थी, और यहाँ पर उसकी बॉडी के बहुत सारे चेंजेस थे, जिससे वो ओमेगा विंग को यहाँ पर चकित नहीं करना चाहता था, डराना नहीं चाहता था, और वो विंग के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। क्योंकि जो हमारा जंगचा है ना, उसकी बॉडी में नए नए चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से उसको उन चेंजेस को मतलब संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने कभी इन चीज़ों को फील नहीं किया था, और इस चीज़ के बारे में उसे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। यहाँ पर उसकी बॉडी में जो चेंजेस होते थे, जिसकी वजह से उसे डर लगता था, उसे ओमेगा स्मेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और जब वो थोड़ा शांत हो गया था, उसने यहाँ पर लैन हीलर्स के पास जाके कुछ ऐसी चीज़ें दी थी जिसने सरपास कर दी थी उसकी, इस सब चीज़ों को सप्रेस कर दिया था उसकी इन फीलिंग्स को। तो यहाँ पर जब वो फाइनली नाइट हंट के लिए निकलते हैं, तो वो विंग से पहली बार मिलता है और कहता है, विंग क्या कर रहे हो तुम? विंग उससे बात ही नहीं करता, विंग यहाँ पर मुंह मोड़ लेता है उसे देखकर। और जानबूझकर विंग जो था वो जंगचा को छोड़कर यहाँ पर लंजा के पास जाके खड़ा हो जाता है। जंगचा यहाँ पर उसे देख रहा होता है और कहता है, विंग मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ कि पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें ज़्यादा इग्नोर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, सॉरी, तुम्हारा टफ टाइम था, तुम्हारे पैर पर लगी हुई थी, बट मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। विंग यहाँ पर इशारों में उससे पूछता है, क्या मजबूरियाँ? यहाँ पर जंगचा जो है वो पहले तो उसका गला सूख जाता है, वो कैसे एक ओमेगा को बताए कि एक अल्फा में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, वो विंग को नहीं खो सकता, वो विंग से झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पर वो बड़े ही दिल पे पत्थर रखकर विंग को बोलता है, तुम नहीं समझोगे। यहाँ पर विंग कहता है, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो ठीक है, तुम मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। यहाँ पर जंगचा उसका हाथ पकड़ता है, और वो यहाँ पर जंगचा का हाथ झटक देता है। यहाँ पर विंग साइन लैंग्वेज में ही उसे चीज़ें धमका रहा था और गुस्से में देख रहा था। यहाँ पर जंगचा कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक अल्फा हूँ, मेरी बॉडी में सर्टेन चेंजेस होते हैं, मैं यहाँ पर एज को हिट करने वाला हूँ, जिस एज को मैं हिट कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा अल्फा की बॉडी में चेंजेस आते हैं, तुम समझ रहे हो ना, एडल्टहुड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और मेरी बॉडी में वो चेंज आ रहे थे जो कि अल्फा में आते हैं। और तुम्हें पता है, ऐसे टाइम में अगर एक ओमेगा उसके आसपास रहेगा तो कितना बड़ा डेंजर हो सकता है। विंग यहाँ पर उसे बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, मैंने कभी नहीं सुना, पिछले 5 दिनों में लवांगची मेरे साथ था, लवांगची भी एक अल्फा है, उसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर वो कहता है, लैंड कल्टीवेशन का तरीका अलग है, लैंड कल्टीवेशन में ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है, और मुझे ऐसा लगता है कि लवांगची जैसे इंसान को शायद ये चीज़ कभी होगी भी नहीं, तुम देखते नहीं कैसा है वो, मुझे नहीं लगता उसे ये चीज़ हिट भी करती होगी, और हिट भी करती होगी तो। यहाँ पर एक लेंस की लाइब्रेरी है, सॉरी लेंस की जो मेडिकल स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, वो इस चीज़ को सप्रेस कर देती है, मैंने भी वो जब दवाई ली तो आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ सकता हूँ, मुझे लगता है लवांगची भी वो दवाई लेता होगा, तुमने देखा नहीं पहले वो कितना तुम पे क्लिंगी होता था, और अब तुम उसे देख के क्लिंगी हो रहे हो। यहाँ पर वेवशन कहता है, पिछले 1 महीने से जब तुम्हारे हालचाल भी पूछने नहीं आए थे तो लंजा मेरे साथ था, अब तुम्हें यहाँ पर आकर दोस्ती का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे झांसे में भी नहीं आने वाला। जंगचा यहाँ बार बार विंग को बार बार सॉरी बोल रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल उससे उसकी तरफ देखता भी नहीं और उससे बात भी नहीं करता। तो यहाँ पर जानबूझकर जिन जिशुन आकर बोलता है, अरे तुम इसे ओमेगा से क्यों माफ़ी मांग रहे हो? ओमेगा, तुम्हें पता नहीं कि ओमेगा कैसे होते हैं? इन्हें भाव खाने की आदत होती है, अभी फिलहाल ये भाव खा रहे हैं, जब लाइफ में कोई अल्फा आ जाएगा ना तो अल्फा भाव खाएगा और ये उनके पीछे पीछे भागेंगे। जंगचा, तुम्हें अपनी डिग्निटी को नहीं गिराना चाहिए, तुम आने वाले टाइम में क्राउन प्रिंस होने वाले हो, सेक्ट लीडर के बेटे हो। यहाँ पर जंगचा जो था वो जिन जिशुन की बातों को माइंड नहीं कर रहा था, बल्कि वो बार बार विंग को बोलता है, अप्रोच करता है, लेकिन विंग जो था जब वो विंग का हाथ पकड़ता तो विंग उसे थप्पड़ मार देता। ये चीज़ बहुत देर से वांगची नोटिस कर रहा था कि किस तरह से जंगचा जो है वो विंग को तंग कर रहा है, और अब तो उसका पारा हाई हो जाता है, बहुत देर से वो मुट्ठी बीच के इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर से जैसे ही जंगचा जो है वो यहाँ पर
वींग का हाथ पकड़ता है, तभी वांगजी जो है अपनी बिचन आगे कर देता है। उसने बिचन खोली नहीं थी, बल्कि बिचन के हिल्ट से, यानी कि उसकी यहाँ पर तलवार की जो ऊपर से पकड़ने वाला हिस्सा होता है, उससे वो जिंगचा के हाथ में मार देता है और कहता है, दूर रहो, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता तो डिस्टर्ब मत करो उसे। यहाँ पर वींग जो है वो लवांगची की तरफ देखता है कि लवांगची यहाँ पर उसकी साइड से बोल रहा है। वींग हंसने लगता है और जानबूझकर जिंगचा को चिढ़ाने लगता है। यहाँ पर वांगजी कहता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ो और चलो। यहाँ पर जानबूझकर जंगचा को चिढ़ाने के लिए विंग लवांगजी का हाथ पकड़ता है और आगे आगे चलने लगता है ट्रूप में। यहाँ पर शिचेन जो थे सबको गाइड कर रहे थे और सबके साथ यहाँ पर जा रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है हमारे जंगचा को। उसे ऐसा लगता है कि विंग किसी और का हाथ पकड़ के आगे कैसे जा सकता है। वो लोग बचपन से साथ रहे हैं, दोस्त रहे हैं, और आज विंग सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी एक जेन्युइन रीज़न था, उसके नए दोस्त बने हैं, साथ साथ उसकी जो एक तरह से रट कहते हैं वो आने वाली थी, यहाँ पर वो विंग को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। और विंग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहा, फिर उसे पता चलता है शायद विंग को पता ही नहीं है एक ओमेगा और अल्फा की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। लेकिन वो इस तरह से लंजा के साथ भी बिल्कुल नहीं जाने दे सकता था विंग को। जंगचा यहाँ पर जानबूझकर वांगची के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। उन विंग और वांगची जहाँ खड़े हुए थे, विंग बीच में था और जंगचा दूसरी साइड आके खड़ा हो जाता है और वो लवांगची से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी एक अल्फा हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ पर जानबूझ के विंग को, क्योंकि उसकी ओमेगा खुशबू बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ जानबूझ के चिपकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए मैं एक अल्फा हूँ। पिछले दिनों मैं विंग के पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर मेरा एडल्टहुड जाग रहा था और जिसकी वजह से विंग को नुकसान पहुँच सकता था, क्योंकि मुझे उसे कंट्रोल करना नहीं आता। वांगची यहाँ पर उसे देखकर गुस्से में कहता है, शेमलेस, तुम्हारी ये बातें बहुत ही बकवास हैं, एक अल्फा को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ पर वांगची ऐसे बहुत ज़्यादा प्राउड दिख रहा था और जंगचा को बहुत अजीब लग रहा था कि ये एक अल्फा होकर कैसे बोल सकता है, मुझे जब किसी ने कल्टीवेशन वर्ल्ड में चीज़ें सिखाई ही नहीं तो मैं कहाँ से सीखूंगा। यहाँ पर उससे आर्ग्यू करने लगता है जंगचा हमारा। वो बोलने लगता है, वांगजी, तुम्हारे सेक्ट में ये चीज़ें पहले ही पढ़ा दी जाती हैं, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाई दी जाती हैं, मुझे मेरे सेक्ट में किसी ने नहीं बताया और विंग के साथ मुझे हमेशा से रहने की आदत थी, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू है, उसके जो फेरोमोन्स हैं ओमेगा, वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैं कल को विंग को हर्ट ना कर दूँ, इसलिए मैं उससे दूर था। तुम हमारे बीच में कैसे आ सकते हो, हम बचपन के दोस्त हैं। यहाँ पर विंग जंगचा की तरफ देखता है और कहता है, ओह, तुम्हें लगता है तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि इतने दिनों तक तुम अगर मुझे ये सारी बातें पहले बता देते तो मुझे कम हर्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है जब तुमने मुझे इग्नोर किया तब मुझे ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, तुम्हारी इस इग्नोरेंस की वजह से मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था, तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, क्लास के बाद तुम सीधा निकल जाते थे अपने चंद दोस्तों के साथ। विंग कहता है, तुम जानते हो मेरे यहाँ पे दोस्त नहीं है, मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम और शिजे मेरे लिए सब कुछ हो, और तुम इस तरह से मुझे इग्नोर कैसे कर सकते थे। अगर तुम्हारी बॉडी में सर्टेन चेंजेस हो भी रहे थे तो मुझे एक खत के द्वारा लिख देते। जंगचा कहता है, मैं थोड़ा शर्मिंदा था, मैंने वो चीज़ें कभी नोटिस नहीं की और मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारी खुशबू तुम्हारे पास आते ही मेरे फेरोमोन्स, क्योंकि सारे ओमेगा को देखकर मेरे फेरोमोन्स जाग जाते थे और मैं बस उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें या किसी ओमेगा को हार्म नहीं करना चाहता था। विंग कहता है, बकवास, बहाने हैं ये सब। विंग जो है वो इशारों में चीज़ें बोलता है। लेकिन यहाँ पर वेंचाओ आता है और कहता है, ओफो, तुम अभी तक जियांगोंगसी अभी तक सफाइयाँ दे रहे हो, तुम्हें एक ओमेगा को सफाई देने की क्या ज़रूरत है। माना कि ये जो है ये तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन ये कोई सेक्ट लीडर का बेटा नहीं जिसे तुम मनाने जा रहे हो, ये एक तुम्हारे ही सेक्ट में रहने वाला, तुम्हारे ही सेक्ट में खाने पीने वाला एक मामूली से इंसान है। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा और इसके पापा एक साथ काम करते हैं और एक टाइम में इसके पापा जो थे वो तुम्हारे पापा को सर्व किया करते थे, तो एक तरह से ये तुम्हारे सर्वेंट का बेटा हुआ। जंगचा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, वो वेंचाओ से कहता है, तुम्हारा ऐसी बात मत बोलना, विंग मेरे लिए कोई सर्वेंट का बेटा नहीं है, विंग मेरा दोस्त है, मैंने हमेशा उसे दोस्त माना है। यहाँ पर वेंचाओ उसे समझाता है कि दोस्त आपस में सेक्ट लीडर के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हाई रैंक के कोई ऑफिशियल हो सकते हैं, विंग जैसा इंसान तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। यहाँ पर जंगचा कहता है, विंग हमारा फर्स्ट डिसाइपल है, मैं जब गद्दी ऑन करूँगा विंग मेरा फर्स्ट डिसाइपल बनेगा। मुस्कुराते हुए वेंचाओ कहता है, एक ओमेगा तुम्हारा फर्स्ट डिसाइपल बनेगा। कैसी बेवकूफाना बात है, कैसा झूठ है ये, इसकी कल को किसी ओमेगा की शादी हो जाएगी, इसकी अल्फा से शादी होगी, ये एक ओमेगा है,
ये कल को जाकर किसी और का घर बसाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे लिए ट्रूप्स पे जाएगा, लड़ेगा, तुम्हें डिफेंड करेगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? आगे चल के हो सकता है किसी अच्छे ऑफिशियल के साथ इसकी शादी हो जाए, या फिर किसी लो रैंक के ऑफिशियल से शादी हो जाए, या फिर किसी आर्मी पर्सन से ये शादी कर ले। लेकिन ये लाइफ टाइम तुम्हारा फर्स्ट डिसाइपल नहीं रह सकता, ये तुम्हारा हेड डिसाइपल कभी बन के नहीं रह सकता, समझ लो। यहाँ पर जंगचा जो था वो अभी भी वेंचाओ से इरिटेट हो रहा था, लेकिन वेंचाओ की ये बातें सुनकर विंग का दिल बहुत ज़्यादा ना दुखी हो गया था। विंग को यहाँ पर रोने वाला मन हो गया था, लेकिन लंजा ये चीज़ नोटिस कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाता है। लंजा यहाँ पर कहता है, तुम्हें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। अगर तुम वेंसेक्ट के क्राउन प्रिंस हो या फिर प्रिंस हो, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं कि हर बंदा प्रिंस पैदा हो। और चीज़ों की जो एक इंसान ऑफिशियल पोस्ट जब होल्ड करता है, तो ज़रूरी नहीं वो एक ऑफिशियल का बेटा हो। अपनी मेहनत से भी लोग ऑफिशियल पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो आपको ये सब बकवास बातें शोभा नहीं देती। और एक प्रिंस को तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो प्रिंस ब्लड लाइन की वजह से बने हैं, लेकिन उन्हें भी हार्डवर्क करना पड़ता है, तो आप किसी के दूसरे के हार्डवर्क को डिनाई नहीं कर सकते। एक बेकार जो क्राउन प्रिंस होता है या एक बेकार प्रिंस अपने पूरे सेक्ट को डुबा सकता है, तो आपको अपने वर्ड पे, अपनी बातों पे, अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये बोलकर वांगजी जो है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे और आगे ले जाता है। जंगचा भी विंग के पीछे जाता है, लेकिन वेंचाओ कहता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउडी है, मत जाओ पीछे। यहाँ पर वो जंगचा को रोक देता है। जंगचा यहाँ पर अपना हाथ खींचता है, वेंचाओ से अपना हाथ हटाता है और वो विंग के पीछे जाने लगता है। लेकिन वो विंग के पीछे जा ही रहा होता है कि नीहो सिंह यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मत जाओ पीछे। यहाँ पर नीहो सिंह ने सारी बातें सुनी थी और वो कहता है, लगता है तुम्हारा दोस्त हर्ट है, अगर तुम अभी पीछे जाओगे तो यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा हर्ट होगा, थोड़ा उसे टाइम दो, उसे संभलने दो। यहाँ पर जंगचा रुक जाता है, लेकिन वांगची जो है वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो कि अभी मोटे मोटे आंसू निकाल रहा था, वांगची उसके आंसुओं को पोंछता है और अपने हैंकरचीफ से विंग के आंसुओं को खुद ही पोंछने लगता है। ये देखकर ना जंगचा को बहुत बुरा लगता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के आंसू, ये इंसान ये एक अल्फा कैसे बोल सकता है। यहाँ पर उसका मन तो कर रहा था कि वो यहाँ पर लवांगची के पास जाए और लवांगची से लड़ने लग जाए कि भाई वो मेरा दोस्त है, तू कैसे इसके आंसू बोल सकता है। लेकिन अभी उसे लग रहा था कि वेंचाओ की बातों ने विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और फिलहाल विंग का शांत होना, चुप होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जानता है कि विंग जो है वो दिल का कितना अच्छा इंसान है। लेकिन विंग को इस तरह की बातें कभी भी पसंद नहीं है, इस तरह की बातें उसे हर्ट करती हैं। वैसे भी वो कभी कभी नेगलेक्टेड चाइल्ड जैसा फील करता है, क्योंकि उसके मदर फादर बाहर रहते हैं। यहाँ पर उसे विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जंगचा को लग रहा था कि मुझे अभी विंग के पास जाना चाहिए या नहीं, बट उसे लग रहा था कि अगर मैं अभी विंग के पास गया तो ये एक तरह से फ्यूल जैसा काम करेगा और विंग जो है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, और शायद वेंचाओ का गुस्सा भी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं जंगचा पे निकाल देगा। जंगचा जो है वो सिर पकड़ के बैठ जाता है। यहाँ पर नीहो सिंह कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगा, अगर उसे समझ में नहीं आ रहा मैं बताऊंगा कि तुमने उसे यहाँ पर जो इग्नोर किया है वो किसी गलत उद्देश्य से नहीं किया, उसकी ही भलाई के लिए किया है। यहाँ पर मुस्कराकर जंगचा कहता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? नीहो सिंह कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम लोगों को वो सारे मटेरियल गिफ्ट करने वाला और वो सारे मटेरियल देने वाला ही मैं हूँ, और मेरी वजह से ही यहाँ पर तुम लोगों तुम्हारी स्पेशली रट आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम अननोन हो इन चीज़ों से लेकर। जंगचा कहता है, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ पढ़ी नहीं, और तभी मैं कहूँ कि मदर मुझे क्यों विंग के साथ ज़्यादा घुलने मिलने से मना करती थी, और वो हमेशा इस डाउट में रहती थी, उन्हें हमेशा ये डाउट रहता था कि शायद मेरे और विंग के बीच कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं विंग को उस नज़र से नहीं देखता और मैं विंग को कभी हार्म भी नहीं करना चाहता। अगर मैं उस नज़र से विंग को देखता होता तो बात अलग होती, लेकिन मैं ना ही उस नज़र से विंग को देखता हूँ, ना ही मैं कभी उसे हार्म करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ एक ओमेगा को लेकर ऐसे टाइम में इंसान की क्या फीलिंग रहती होगी, और मैं भी कभी विंग को हार्म नहीं करना चाहता, इवन उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। नीहो सिंह कहता है, देखा, ऐसे ही धीरे धीरे विंग को भी चीज़ें समझ आ जाएंगी, जैसे आज आपको आई है अपनी मदर फादर का कहना। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगचा कहता है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, लेकिन तुम विंग को ज़रूर समझाना, कहीं वो गलत फहमी में ना रहे। यहाँ पर लंजा जो था वो विंग को टाइटली उसकी शोल्डर को पकड़े हुए था। लंजा को इस तरह से किसी को टच करना पसंद नहीं था, बट विंग को सूदिंग करना उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब विंग वार्म होता था, स्माइल करता था, तो पता नहीं क्यों लंजा को ज़्यादा अच्छा लगता था। इस तरह से वो विंग को कभी रोते देख ही नहीं सकता। विंग जो था वो उसे अभी भी शोल्डर से पकड़े हुए था। इवन जब सारे के सारे चल रहे होते हैं, तो लंजा जो था वो विंग को अपना पानी भी ऑफर करता है। ये चीज़ शिचन नोटिस कर रहे थे कि
जो लंजा है ना वो कहीं ना कहीं विंग से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो गया है, सोल वाइज कह लीजिए, या फिर जो उसका एक लगाव है ना वो किसी और इंसान के थ्रू बढ़ता देख उसके ब्रदर काफ़ी खुश होते हैं और वो वांगची को डिस्टर्ब नहीं करते, वो धीरे धीरे इस रूप को आगे लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पर लंजा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की वजह से विंग को कष्ट नहीं होने देना चाहता था। लंजा को ऐसा लगता था कि अगर विंग रोएगा ना तो उसकी लाइफ का ना बहुत अच्छा गुड लक बैड लक में बदल सकता है। उसे विंग एक एंजल जैसा लगता था, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी लाइफ में कितना खुश रहता है, जो कि अपूर्ण होके भी संपूर्ण है। और यहाँ पर लंजा जो था वो विंग को जानबूझकर हंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। विंग यहाँ पर गिगलिंग करने लगता है, मुस्कुराने लगता है और ये देखकर ना जंगचा को थोड़ी शांति मिलती है कि फाइनली विंग जो है अब मुस्कुरा रहा है और रो नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जब विंग रोने पे आता है ना तो घंटों घंटों रोता है और किसी को कुछ भी नहीं बोलता, नाराज़ होकर एक कमरे में बैठकर चुपचाप रोता रहता है। और इस चीज़ को काफ़ी बार जंगचा ने विटनेस किया है, स्पेशली जब उसके मॉम का रूड बिहेवियर विंग के लिए रहता है और उसे तब बहुत गिल्ट फील होता था। लेकिन आज जब वो विंग को इस तरह से देख रहा था ना कि विंग को फाइनली किसी और ने शांत कर दिया है, तो वो थोड़ा सा उसके मन में भी शांति आ जाती है। वो मन में सोचता है कि चलो लवांगजी चाहे लाग बुरा सही उसे बिल्कुल पसंद ना हो, लेकिन लवांगजी ने अगर विंग को हंसा दिया है तो उसके लिए वर्थ इट है। बट वो भूला नहीं है कि कैसे लवांगजी ने अपनी बिचन दिखाकर उसे डराने की कोशिश की थी। वो विंग के लिए फिर भी लवांगजी की एक गलती को माफ करने के लिए तैयार था। यहाँ पर उसकी एरोगेंसी अभी भी नहीं जा रही थी। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा विंग होता है ना वो लवांगची से पूछने लगता है, वो लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसे भूख लगा दी है और वो अपने पेट को अभी भी दबा रहा था विंग। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे भूख लगने लगती है और उतना ही उसके पेट में चूहे कूदने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। तो वांगची अचानक से नोटिस कर लेता है, वो विंग से कहता है क्या हुआ। विंग कुछ भी नहीं बोलता तो वांगची कहता है तुम्हें भूख लगी है। विंग यहाँ पर पहले मना करता है लेकिन फिर उससे झूठ नहीं बोला जा रहा था। वो अपनी मासूम आँखें दिखाकर वांगची से हामी भरने लगता है कि हाँ मुझे भूख लगी है। वांगची मुस्कुराता है और कहता है तुम बिना बुद्धू हो। वो लोग यहाँ से धीरे धीरे करके जिस रोड पे जा रहे थे वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर खाने के आइटम जो है वो बहुत कम है। वो अपने ब्रदर से कहता है कि क्या हम आसपास से थोड़े से किसी भी जगह जहाँ फूड मिलता हो उससे जाकर हम कह सकते हैं, हम कुछ खाने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर और भी डिसाइबल्स को भूख लग रही थी, वो लोग भी आसपास जब ताकने लगते हैं तो उन्हें एक छोटा सा होटल दिखाई देता है। उस होटल का जो बंदा था जो कि उधर काम कर रहा था वो यहाँ पर सो रहा था। ये लोग उससे जाकर उठाते हैं और उसे कुछ खाने पीने के लिए बोलते हैं। वो आदमी कहता है ओह आप लोग आ गए, ये स्पेशली नाइट हंट के टाइम पे ये इंसान रात में ड्यूटी देता है और खाना बनाता है, ये डे टाइम में ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि नाइट हंट के टाइम पे लोग जो है वो इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लंच एक्ट के लोग, तो इसलिए जब किसी को भूख लगती है तो वो अवेलेबल रहता है। यहाँ पर यह बंदा उठता है और कहता है बहुत टाइम बाद आप लोग नाइट हंट के लिए आए हैं, फिलहाल आप लोग क्या खाना चाहेंगे। यहाँ पर वो सूपी नूडल्स और सूपी वॉन्टन यहाँ पर बना के लेके आता है, सूपी डम्पलिंग्स बना के लेके आता है। सारे के सारे सूपी डम्पलिंग्स यहाँ पर बड़े प्यार से बैठ के खा रहे होते हैं, सबको भूख लगी थी। लंजा भी यहाँ पर धीरे धीरे अपने प्यारे से विंग को फीड कर रहा था। वो यहाँ पर विंग जो था वो बड़े ही मज़े ले लेके चटोरेपन के साथ खा रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बाल्ड खाना लगता था जो भी लेंस एक्ट में हुआ करता था। लेंस एक्ट का खाना बहुत ही फीका था और बिल्कुल ही टेस्टलेस था और विंग ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता था, तो वो तो पेट भर के धबाधब खाने पर लग जाता है। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसने बहुत सारे चिप्स, चटपटा आइटम, बहुत सारे तरीके के पकोड़े, बहुत सारे तरीके के स्नैक्स रखे हुए थे। ये सारे मिलके यहाँ पर खूब धुड़ मचाकर खाना खाते हैं, टोफू भी खाते हैं और तो और सैलेड भी खाते हैं। ये इंसान यहाँ पर लिटरली बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना बनाता है, जबकि ये सिर्फ नाइट हंट के कल्टिवेटर्स के लिए बनाता है। इसे स्पेशली यहाँ पर जब बोला जाता था कि आप किस तरह का खाना खाना चाहेंगे तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खाना बनाता है। और बहुत सारे लोग लेंस सेक्ट्स के अलावा यहाँ पर दूसरे सेक्ट से भी आए हुए थे और वो लोग स्पाइसी फूड और तरह तरह के फूड ऑर्डर करते हैं। ये इंसान पहले ही सारा अपना बैटर तैयार करके रखता था, इसने अपने बाकी के सबॉर्डिनेट्स को भी बुलाया हुआ था और सारे मिलके यहाँ पर इन लोगों को बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद विंग जो है देखता है कि वो गलती से अपना पर्स जो है वो घर बुलाया है और यहाँ पर वो मुँह बनाने लगता है। तो लवांगची कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें पे कर दूंगा। विंग कहता है मैं तुम्हें बाद में पे कर दूंगा। लवांगची कहता है
नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में इस तरह से चीज़ें नहीं होती। विंग यहाँ पर पाउट बनाने लगता है। वांगजी जानबूझकर उसे और भी ज़्यादा टीस करने लगता है। सारे खाने के बाद आगे नाई ठंड के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो सारे के सारे अपने अपने लक्ष्य पर जाते हैं। तभी उन्हें बहुत दूर माउंटेन से एकदम से ज़ोर से चीखे मारने की और हंसने की रावनी हंसी की आवाज़ आती है। यहाँ पर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी चीज़ है यहाँ पर जो हंसने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो किसी और की नहीं बल्कि एक वुमन की आ रही थी जो कि बहुत खूंखार लग रही थी, कोई राक्षस टाइप होगी। और यहाँ पर जो वांगजी था वो ये जब चीज़ें देखते हैं ना तो वो अपनी बिचर निकाल लेता है। लेकिन विंग थोड़ा डर जाता है। विंग अपनी सुबियन को निकालता है लेकिन उसने पहले इस तरह की चीज़ों को एनकाउंटर नहीं किया था। वो थोड़ा सा डरता है और अचानक से वो वांगजी की स्लीव्स को पकड़ लेता है। वांगजी यहाँ पर विंग की तरफ देखता है और उसे अश्योर करता है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, वांगजी और विंग किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और ये सिचुएशन इन्हें कहाँ तक लेके जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मैंने वेंजू आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जिसने वेंजू नहीं सुना है वो जाकर उसे भी सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।